अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं टमाटर केचप। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 किलो टमाटर लिए हैं और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है और कटिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें जो है कोई भी टमाटर जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि इसमें जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं, यानी ख़राब हो जाता है टमाटर। तो ऐसा टमाटर को भी आपने इसमें ऐड नहीं करना, इससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो इसको आपने कट करना है और साथ साथ किसी भी पतीले देगचे में जिसमें भी आपने इसको बनाना है, मतलब उबालने के लिए इसको रखना है, तो उसमें आप साथ साथ इसे ऐड करते जाएंगे और इसे हल्की आंच पे आपने पकने के लिए रखना है स्टार्ट में। और जब इसका पानी निकल आए तो फिर आप इसे थोड़ी सी आंच तेज़ करके पका सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि इसमें पानी बिल्कुल भी आपने नहीं डालना। और इसे अब पकने के लिए रख देते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या हमें और ऐड करना है। तो हमने लेना है प्याज। प्याज आपने देखा होगा मैंने किस साइज़ का लिया है। इसमें दालचीनी, काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची, लौंग और लहसुन डालना है। और इसे हमने डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करना, हमने इसको पहले सूती कपड़े में बांधना है और फिर इसमें डालना है। तो देखिए तब तक हमारे टमाटर जो है ये भी रेडी हो चुके हैं। तो इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसे आपने कर लेना है ठंडा। ठंडा करने के बाद आपने इसको कर लेना है ब्लेंड। तो ये देखें, इसको ठंडा करने के बाद मैंने ब्लेंड कर लिया है और इसको आपने साथ साथ छन्नी से छानते जाना है किसी भी जाली से, ताकि इसके जो है बीज वगैरह है ना वो उस जाली पे रह जाएं, क्योंकि वो इसमें अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह इसका पल्प हमने अलग कर लेना है और उसे हमने अगेन चूल्हे पे रख देना है। और उसमें 1 चम्मच आपने डालना है पेपरिका पाउडर का, ये कुटी हुई लाल मिर्च होती है। 1 चम्मच आपने इसमें डालना है नमक का। और ये आप देखे होंगे जो सूती कपड़े में वो प्याज और इलायची वगैरह मैंने बांध के इसमें डाले थे। अब आपने इसे पकाते जाना है अच्छे तरीके से और इतना पकाना है कि ये ठीक हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। इस चीज़ का ख्याल रखना है जितने किलो आपके पास टमाटर होंगे उतने ही कप इसमें चीनी के ऐड होंगे। तो मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं तो मैं इसमें 2 कप चीनी के डालूंगी और 1 कप इसमें ऐड करूंगी वाइट सिरके का। सिरका डालने के बाद आपने इसे इतना पकाना है कि ये ठीक हो जाए। अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया। सिरका डालने के बाद इसे पकाना है काफ़ी देर, आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे पकाते जाएंगे। जब ये ठीक हो जाएगा तो आपने इसको किसी भी जार में या फिर आपने इसको किसी भी बोतल में निकाल लेना है। लेकिन इसके लिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जिस भी कंटेनर में आप इसे निकालेंगे, जब उसमें से आपने सर्व करने के लिए निकालना है किसी बाउल में, तो दोबारा वापस आपने उसमें ऐड नहीं करना। जो भी आप कंटेनर या बोतल लेंगे उसमें आपने इस तरह का वो होना चाहिए कि उसका जो ढक्कन अच्छे तरीके से बंद होता हो, उसमें हवा ना जा सके, ताकि आपका सेव रह सके। रेडी करती हूँ तो मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और जो जार एक निकालती हूँ यूज़ करने के लिए, उसमें कभी दोबारा नहीं डाला। सो इन एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करते हुए आप लोग इसे 1 साल 2 साल जब तक चाहे इसे सेव रख सकते हैं, लेकिन ये इन बातों का ख्याल रखिएगा। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।